हाय गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने इस बहुत ही बेहतरीन बेस पर अटैक किया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में लूट देख रहे हैं, लूट बहुत ही कमाल की है दोस्तों। तो मैं अटैक स्टार्ट करता हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। हालाँकि एक अटैक दिखाने वाला हूँ लेकिन बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। मैं यहाँ पर अटैक स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग यहाँ से की थी ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलिक्सर सोर्सेस, मेरा मतलब एलिक्सर कलेक्टर्स बहुत ही बाहर थे। फ्री बिल्डिंग्स जैसे मिल रहे थे मुझे, फ्री में मिलेगा तो भाई क्यों छोड़ूं मैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत से लूट गेन कर ली थी, हालांकि मुझे पूरी गेन नहीं करनी आ गई क्योंकि मैंने सिर्फ एक स्टार निकाला, टीएच भी बच गया था। बाद में टीएच ने भी बहुत से रिवीज को मार दिया। तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया अटैक। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एनिमी बारबेरियन किंग की बहुत ही हालत ख़राब कर दी थी। उसको बहुत पागल बनाया था स्केलेटन्स ने। और यहाँ पे जो स्केलेटन स्पॉन हुए हैं दोस्तों, बस ये बम टावर नहीं रहता तो ये पूरा का पूरा एलेक्जर कलेक्टर निकल जाता। यार अभी जो इवेंट है ना विच का, वो सच में तबाही है भाई। दोस्तों आप भी ट्राई कीजिए। बहुत सारे स्केलेटन्स विच स्पॉन करती है, बाद में आपके पास स्केलेटन स्पेल भी होती है। जो मैंने यहाँ पे कुछ एलेक्जर्स कलेक्ट करने के लिए बचाइए दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये आधा डेड बेस था और आधा एक्टिव था। अगर ये पूरा डेड बेस होता ना तो भाई सच्चे में बहुत अच्छी लूट निकाल लेता। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे स्केलेटन स्पेल छोड़ दिए थे और ये मल्टीपल इन्फर्नो अभी ख़त्म हो गए। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पूरा अगर डेड बेस होता तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छे से लूट निकाल लेता मैं। फिर भी कोई बात नहीं, जो भी निकली है वो भी कमाल है भाई। 6 लाख लूट करने के लिए मुझे दो या तीन अटैक मारने पड़ते, तो ये अच्छा है एक ही अटैक में मर गया। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों विजार्ड टावर्स की। तो विजार्ड टावर्स फ्लैश में डैमेज करते हैं जैसे आप लोगों को पता है, लेकिन विजार्ड टावर का एक कमज़ोर पहलू ये है कि अगर स्केलेटन स्पेल आप उस पर डाल दें और यहाँ से विचेस वगैरह क्लीन कर दे तो विजार्ड टावर 1 सेकंड में निकल जाएगा दोस्तों। ये स्ट्रैटेजी आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। विजार्ड टावर जल्दी से मर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी गेन कर दी है लूट। जैसे कि आप लोग यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में देख सकते हैं, बहुत सारी लूट गेन कर लिए। मोर्टार्स को भी पागल बना दिया यहाँ पे उसने। क्यों दो दो मोर्टार्स रखी है मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन शायद उसकी कोई स्ट्रैटेजी होगी। और पता नहीं यार, लोग बाहर मोर्टार रख लगे अभी। ओके, कोई बात नहीं, उसकी स्ट्रैटेजी होगी कोई, उसका कोई उसकी कोई सोच होगी, छाने दो। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा बहुत अच्छा लूट, इसे बुरा नहीं कह सकते लेकिन जो भी है वो बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे विच नहीं मर जाती तो थोड़ा सा डार्क भी निकाल लेती, ये भी कम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो आप राइट साइड में देख रहे हैं कुछ भी कम नहीं है भाई, ये जो है वो तबाही है। तो बात करते हैं अपडेट के बारे में दोस्तों। अपडेट में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा आना चाहिए कि हम लोग ये जो हमारे ट्रेजरी में रहते हैं मैजिक आइटम्स, ये डोनेट कर पाए। कुछ ऐसा ही आना चाहिए दोस्तों, ये डोनेट कर पाए ऐसा कुछ। तो कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक बार वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना इसके बारे में कि आपको क्या लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और अगले वीडियो के लिए मैं जल्दी से प्रोसेस करूँगा। तो इस वीडियो को मैं रैप अप कर रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और फिर मिलेंगे इसी चैनल पे एक फ्रेश एंड न्यू क्लैश ऑफ क्लैंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑलवेज गाइस, जय हिंद।